भाइयों, ये 4 जून की हरिनारायण मीणा की पोस्ट है, लगभग 12:05 से 6 मिनट के करीब की। ठीक है, इस पोस्ट में इसने प्योर जो पेपर होता है एग्ज़ाम हॉल में फ़ोटो खींची, या उससे पहले कहीं से इसने कोई कबाड़ा किया या कुछ भी किया। इसने पेपर यानी कि 4 जून को यहाँ पर पेपर को लगभग 12:06 या 7 मिनट के करीब यहाँ पे पेपर को डाल दिया। ठीक है, पेपर को डाला, लेकिन इसको पता चल गया कि यहीं गड़बड़ हो सकती है। इसने तुरंत पेपर को डिलीट कर दिया। ठीक है, कुछ ही मिनट में, पाँच छः सात मिनट के अंदर। ठीक है, और अपने LSA मित्र जो संघर्षशील थे, पढ़ाई करने वाले थे, उन बच्चों ने इसको, देखो आप कमेंट में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि इसमें पेन के निशान तो है नहीं, फ्रेश ही डाल दिया क्या, या फिर अंदर एग्ज़ाम हॉल में ले ली फ़ोटो। सही कहना है बेचारे का। ठीक है, इसी हिसाब से देखो वापस कमेंट क्या आ रखे हैं। इस कमेंटों से साफ तरीके से जाहिर हो रहा है कि ये पूरा का पूरा घोटाला है, और इस घोटाले में सुनील चौधरी और ये हरिनारायण मीणा एकदम साफ सुथरे दोषी है। किसी भी सबूत की ज़रूरत नहीं अपने को। और ये देख लो, इसमें कोई भी बात अगर गलत सही हो, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हो। ये देखो कमेंट क्या आ रखे हैं, और इस कमेंटों से साफ जाहिर हो रहा है। और देखो, एक मिनट और रुको आप, ये देखो इधर ये पोस्ट है इसकी, सुनील की। ठीक है, सुनील की क्या पोस्ट है 4 जून की लगभग आपके 12:06 से 7 मिनट पर इसने पोस्ट की है। देखो कितने साफ क्लियर पेपर है, एकदम साफ, कहीं पे पेन का निशान तक नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो एग्ज़ाम हॉल में बैठता है और अपने क्वेश्चन राइट रॉन्ग अटेंड करता है, कुछ भी करता है, उसमें चिन्ह तो लगाएगा ही, चाहे उसको कितना भी कोई भी मना कर दे ये नहीं करना वो नहीं करना, वो चिन्ह तो लगाएगा। देखो कितना साफ सुथरा पेपर है, एकदम साफ क्लियर कट। अब आपको सबूत की और भी ज़रूरत हो तो सबूत अपने पास खूब पड़े, और आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि ये पेपर एग्ज़ाम से पहले का है या बाद का है, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। इसमें आपको कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी आपको कोई पेन का टिक भी लगाया हुआ मिले ना, तो आप मेरे को बोल सकते हो कि यार पेन का टिक तो है। ठीक है, कहीं नहीं लगाया हुआ, इसने पूरा का पूरा घोटाला किया है। और इसमें इन दोनों की साफ तरीके की जाँच की मांग अपन रखेंगे, और कल की तारीख में अपन इनका पूरा जो बागडोर है वो पूरा अपन अपने स्तर से तैयार कर लेंगे। और धरना होगा नहीं होगा उसके बारे में बाद की चर्चा है, पहले अपन एक साथ एकजुट होकर के बैठ करके बात करेंगे क्या करना है, कैसे करना है, एक बंदे को आगे करके वकील से बातचीत करके सब उस हिसाब से सेटलमेंट करके पूरा काम करेंगे। और भाइयों, आप अभी नहीं समझे ना तो कभी नहीं समझ पाओगे। UTC बेंच से आगे भर्तियाँ होगी, और आपका कुछ नहीं होने वाला, आप इस चीज़ को समझ जाओ, आपके फ़ायदा है। ठीक है, और कल की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा पधारे भाइयों, आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट। थैंक यू।